नमस्कार दोस्तों, मैं एरियल न्यूज चैनल सशपा। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी एक चुनाव रैली के दौरान बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उनका कहना है कि चुनाव रैली के दौरान कुछ चार पांच लोगों ने उन पर हमला किया, जिससे उनके पैर में, गर्दन में और कलाई पर काफ़ी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि पहले से ही रची गई थी। ममता बनर्जी पर पूरी भीड़ का नहीं बल्कि उनका कहना है कि चार पांच लोग उनके करीब आए और उन्हें बहुत ही तेज धक्का मुक्की करी और उन्हें जबरन कार में बैठाने की कोशिश करी। कार में बैठाने के बाद में जबरन ही उस कार का गेट लगाने की कोशिश करी, जिससे उनके पैर में भी काफ़ी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। ममता बनर्जी एक वीडियो के दौरान कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन पर ये हमला किया गया था और ये सोची समझी साजिश थी। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं। दीदी क्या हुआ है? चार पांच आदमी नहीं था, मैं गाड़ी पर इधर भी खड़ा होकर चार पांच आदमी थे। मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर पूरा चोट हो गया। देखो कितना पुलिस, कहाँ कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी बहुत जरूरत है। अभी कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? और कहाँ का चोट लगा आपको? चोट लगा पैर में? दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? तो दोस्तों, वीडियो के दौरान जैसे कि आपने देखा कि ममता बनर्जी कहते हुए नजर आ रही हैं कि उन पर साजिश थी, लेकिन जानते हैं कि पूरा क्या है मामला। बुधवार देर रात चिकित्सकों द्वारा कराए गए मेडिकल टेस्ट के बाद बताया गया कि ममता बनर्जी के बाएं टखने, पैर में और हड्डी की चोट का पता लगा है। इसके अलावा दाहिने कंधे, बाहीं, कलाई और गर्दन में भी चोटें आई हैं। बुधवार रात ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उन पर हमला किया गया है। चार पांच लोगों ने उन्हें धक्का दिया था, जिस वजह से वो चोटिल हो गई। बुधवार देर रात चिकित्सकों द्वारा कराए गए मेडिकल टेस्ट के बाद बताया गया कि ममता बनर्जी के बाएं टखने और पैर में गंभीर हड्डी की चोट आई है। इसके अलावा दाहिने कंधे, बाकी कलाई और गर्दन में भी चोटें आई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित SSKM हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने ये जानकारी दी है। आप दोस्तों जानते हैं कि अब ममता बनर्जी की हालत कैसी है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने ममता बनर्जी की हालत पर 48 घंटे तक नज़र रखने का फैसला किया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम के कथित हमले के बाद सीने में दर्द और सांसें फूलने की शिकायत कर रही हैं। ममता बनर्जी को हल्का बुखार भी बताया जा रहा है। MRI के बाद उन्हें अस्पताल के BBIP विल वुडवर्न ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। ममता बनर्जी का इलाज कर रहे एक चिकित्सक ने बताया कि अभी कुछ और मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे और उनके बाद हम ट्रीटमेंट को लेकर निर्णय करेंगे। नंदीग्राम से कोलकाता के अस्पताल पहुंचते ही ममता बनर्जी का एक्सरे किया गया। दोस्तों, भाई भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि जनता की नज़र में गिर गई खट्टर सरकार। राज्य सरकार ने बनर्जी के उपचार के लिए 5 वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनाई है। बनर्जी पर शाम को चुनाव प्रचार के दौरान देवनीपुर के एक नंदीग्राम में कथित रूप से हमला हुआ। बनर्जी ने आरोप लगाया कि चार पांच लोगों ने उन्हें बहुत तेजी के साथ धक्का दिया और वह गिर गईं। उनके अनुसार उनके पैर सूज गया और उनके सीने में दर्द और बुखार सा महसूस हो रहा है। दोस्तों, ये थी ममता बनर्जी से जुड़ी सारी अपडेट। और भी अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए चैनल